नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं, वैकेंसी निकली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, पार्टिकुलरली फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और वेरियस वैकेंसीज हैं नॉट ओनली इन वन डिवीज़न। तो ये जो वैकेंसी निकली हैं, इसमें आपकी पोस्टिंग जो होगी रिफाइनरी डिवीज़न बोंगाईगांव रिफाइनरी, तो उसमें चाहिए भाई एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, और आपकी स्थाई पोस्टिंग होने वाली है बोंगाईगांव रिफाइनरी में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है खुद अपने आप में, इंडिया गवर्नमेंट टेकन, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है जो कि डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड एनर्जी मेजर विद प्रेजेंस इन ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल्स एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, तो इन डिफरेंट एरियाज़ में यह काम करती है। इसको महारत्न का स्टेटस प्राप्त है भारत गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो जो एनर्जी सेक्टर को पार्टिकुलरली ये कंट्रोल करती है, इसलिए कहा गया है इसको एस्पायर्स टू बी द एनर्जी ऑफ इंडिया ए ग्लोबली एडमायर्ड कंपनी। तो इंडियन ऑयल जो है, जो हमेशा ईयर बाई ईयर इंडिया की बेस्ट कंपनियों में इसका नाम आया है टू वर्क फॉर एंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग नेशन बिल्डर्स, कहना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी इसी में निकलती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में। तो अपनी ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल ने अभी एप्लीकेशन दिए हैं, स्पेशली वो लिखना देखना चाहते हैं ब्राइट यंग एनर्जेटिक पर्सन ऑफ इंडियन नेशन पोस्ट सिलेक्शन ऑफ वेरियस पोस्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ पे स्केल 25,000 टू 1,05,000। तो इस पे ग्रेड में उनको रखा जाएगा और इनिशियल पोस्टिंग जो होनी है बोंगाईगांव रिफाइनरी में होनी है। तो देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मैं डिटेल में आपको देने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन जो है 21 अप्रैल 2022 को आया। तो चलिए दोस्तों, कारमा को आगे बढ़ाते हैं। तो जिन भी साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो करियर काउंसलिंग पर बनाता हूँ तो सबसे पहले आपके पास में आएंगे। देखिए साथियों, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात अगर करते हैं तो पोस्ट कोड है 204, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ ग्रेड मैकेनिकल में टोटल एक वैकेंसी है जो कि रिजर्व है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। जो स्टार इसमें मार्क लगा है वो है रिजर्व फॉर PWBD कैंडिडेट्स ओनली, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। सेकेंड को पोस्ट कोड 205, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ इंस्ट्रूमेंटेशन में एक ही वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी में है और सेम कंडीशन है PWD के लिए, पर्सन विद डिजेबिलिटी, मतलब ब्रॉडर डिजेबिलिटी। और इसके अलावा 206, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट है, इसमें चार वैकेंसी हैं, दो जनरल के लिए और दो ST के लिए, उस पर भी सिंबल लगा दिया है, ST में भी PLOH OALS, ये तुम्हारी पर्सनल विद डिसेबिलिटी की ग्रेडिंग है उनके अकॉर्डिंग। ये दो सीट इसमें वो रिजर्व हैं उनके लिए, इसमें एक सीट रिजर्व फॉर ST PHOH के लिए। तो देखिए, जो सिंबल ये बने हुए हैं OH पे जो US डॉलर जैसा दिख रहा है, वो बैकलॉग वैकेंसी है। तो इसमें कहने के बाद थ्री कैटेगरी अंडर PWD कैन अप्लाई, PW में जो थ्री कैटेगरी हैं इनके अंदर अगर आप आ रहे हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को भी दिया जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, और प्रेस्क्राइब रिजर्वेशन मिलेगा PWBD और एक्स सर्विसमैन को जो कि एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो इसमें चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है, फर्स्ट है पोजीशंस आर ऑपरेटेड विद वर्क अरेंजमेंट इन 1, 2 और 3 शिफ्ट्स, सो इक्विपमेंट मे बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज इन एनी ऑफ द वर्क अरेंजमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन वर्क एडजेंसी। तो मतलब जो भी इसमें काम करेंगे वो तीन शिफ्ट में काम करते हैं, तो किसी भी शिफ्ट में आपको रखा जा सकता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो ऊपर हैं वो टेंटेटिव हैं, वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। पेट्रोलियम रिफाइनिंग बीइंग ए कॉम्प्लेक्स हजार्डस प्रोसेस, तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी जिसे कहते हैं 40% हायर शैल बी कंसिडर ओनली अगेंस्ट द आइडेंटिफाइड पोजिशन नंबर ऑफ इंडिकेटेड अबव। तो कहने की बात है बहुत ही डेंजरस से सीनारियो में आप काम करने वाले हैं, जहाँ कभी भी कुछ हो सकता है, तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ काम करना पड़ेगा।
द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का जो एक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 2R वो डिफाइन करता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज ए पर्सन ड्यूली सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विद नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी वायर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन मिजरेबल टर्म्स एंड अ डिसेबिलिटी वायर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड इन मिजरेबल टर्म्स। तो चाहे इसका डेफिनेशन हो या ना हो फिर भी अगर आप इस कंडीशन में हैं जहाँ 40% आप जो है डिसेबिलिटी से शिकार हैं तो बिल्कुल आप ये वैकेंसी जो निकली है उनमें क्लेम कर सकते हैं। और जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, एज पर द रूल्स 2017। तो इसमें देखिए पी भी लो विजन, ये पी मतलब होता है फिजिकल, बी मतलब होता है विजन, फिजिकल विजन, लो विजन है वो भी जा सकते हैं, पी एच हार्ड हियरिंग, डी डाफ होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पी एल मस्क्यू कैचलर और ड्वार्फेम्स एसिड अटैक विक्टिम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल और कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3 ये सारे अगर किसी के अंदर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो मैकेनिकल का है 3 ईयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, 45% एग्रीगेट मार्क्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और मैट्रिक विद आईटीआई इन फिटर ट्रेड विद पास क्लास। तो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए जो कि डिजायरेबल है, पार्टिकुलरली ओवरहॉलिंग ऑफ रोटरी इक्विपमेंट लाइक कंप्रेसर गैस टरबाइन बॉयलर सब पे काम किया हो तो बिल्कुल ये डिजायरेबल है, किए हैं तो बिल्कुल ये भी एक कंसिडर किया जाएगा पैरामीटर इन द सिलेक्शन। जूनियर टेक्निकल अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल इंजीनियरिंग में किया हो, 45% मार्क्स कंपलसरी, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट है बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी एंड 45% फॉर एससी एसटी, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो डिप्लोमा बीएससी आईटीआई ब्रांच सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट अबव ओनली बी कंसिडर एलिजिबल, तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं चेक कर लेना आपका डिप्लोमा बीएससी उसके अलाइंड है कि नहीं। तो भाई आपको एप्लीकेशन भरना है अलोंग विद क्वालिफिकेशन और इस डॉक्यूमेंट और भर के भेज देना है सीधा फॉर्म, पर ऑनलाइन डालिए और फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिए वो रखिए आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये चाहिएगा। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट इन केस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन तो सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए, मतलब एक ही बार अप्लाई करना है आपको। तो लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वुड मीन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एक्सीड 10 करोड़, तो कोई भी लार्ज इंडस्ट्री को डिफाइन करने का पैरामीटर है तो उनका अगर ये जो एक्सपेंडिचर 10 करोड़ उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल उसको इंडस्ट्री कहा जाएगा। कैंडिडेट हुए रजिस्टर्ड विद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट सैनिक रिसेटलमेंट बोर्ड और स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और मीटिंग द प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुज नेम्स आर स्पॉन्सर टू दी बोगनगांव रिफाइनरी अगेंस्ट दी नोटिफिकेशन आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन, मतलब ऐसे साथी जो ऑलरेडी अपने नाम को कहीं रजिस्टर करा चुके हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और डिस्ट्रिक्ट सैनिक रिसेटलमेंट बोर्ड या किसी ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन साथ वो सारे मतलब अपना सर्टिफिकेट लेके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वूमेन के लिए हमेशा पोजीशन रहती है जैसे कि नो वूमेन इज परमिटेड टू द वर्क और अलाउड टू एंटर एनी बिल्डिंग इन विच जनरेशन ऑफ गैस और डेंजरस पेट्रोलिमिट्स आर डिफाइंड पेट्रोलियम एक्ट 1934 इज कैरी डाउन, तो लड़कियों के लिए स्कोप नहीं है भाई यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी विषाक्त गैसें वहाँ पर होती हैं तो कोई मिसअप होने का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, रिजर्वेशन एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स वो लगता ही लगता है, तो चलिए देखते हैं। तो लास्ट डेट जो है वो है 18 मई इसको अप्लाई करने का, और आप अप्लाई कहाँ करोगे इसकी वेबसाइट पे जाओ www.iocl.com और फिर IOC Recruitment इस पर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आर्मड फोर्सेस में वो अपने उसी चैनल के प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें तो आपको सिलेक्शन पोजीशन में बिठाया जाएगा, और जो डिसेबिलिटी के साथ में उनको सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। तो चलिए ये सारी डिटेल तो बराबर है, एज रिलैक्सेशन सब में मिलता है 5 साल का CST को और 3 साल का OBC को, तो
तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया है, पेमेंट भी आपको बता दिया है, लास्ट डेट भी पता है। तो बिल्कुल साथियों, देरी करे बिना बिल्कुल अप्लाई कर दें, लास्ट डेट बहुत नज़दीक है अपना, 22 मई तक है, तो वो मतलब कम है, 12 मई तक। तो अप्लीकेशन का जो पेमेंट करना है वो 12 मई 5 बजे तक आप कर सकते हैं, जो क्लियरली यहाँ मेंशन है। पेमेंट इज 12 मई तक इवनिंग तक आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में जाके अप्लाई कर दो, तो जो फ़ोटो लगेंगे वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए, जो साइज़ है 50 KB से कम, और 50 KB तक चलेगा। तो करना क्या है, वेबसाइट पे जाओ www.iocl.com, देन इंडियन ऑयल करियर्स में जाओ, वहाँ पे अपनी सोच सर्च करो कि कौन सा लेटेस्ट जॉब में है, उसमें से इसको सिलेक्ट करो और उसको भर दो, पूरा डिटेल भर दो, जो फॉर्म निकलेगा। तो देखिए इसमें लिखा है लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो है ओपन रहेगा 21 अप्रैल से 10 बजे से लेकर 12 मई 5 PM तक। तो ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत कम है, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए और आप जमा कर सकते हैं फॉर्म। तो चलिए, ये था रिगार्डिंग इस पोस्ट को। तो बोगाई गॉम रिफाइनरी, जब आप ये सारे प्रिंटआउट वगैरह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ले लें, उसके बाद ये आपको भेजना है, तो उसके लिए एड्रेस दिया गया है, एड्रेस सीनियर एम्प्लॉई रिलेशनशिप मैनेजर HR डिपार्टमेंट, बोंगाई गाँव रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस धालीगांव डिस्ट्रिक्ट चिरांग असम। तो यहाँ पे आपको भेजना है। तो चलिए ये है, और इसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया, अगर कोई क्वेरी वगैरह चाहिए आपको तो इसका नंबर भी दिया गया है और ईमेल आईडी भी दी गई है। तो इम्पोर्टेंट डेट आप नोटिस कर लें, डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अप्रैल से हो चुके हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 12 मई, और वही 18 मई तक उसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं, और पूरा मतलब कंप्लीट ये मतलब 18 मई फीस भी 12 मई तक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रिंटआउट लेना है और उसको भेज देना है उस एड्रेस पर जो मेंशन किया गया था। तो लास्ट डेट ऑफ PWD कैंडिडेट टू सबमिट प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा 18 मई है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ प्रिंटआउट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 21 मई और 22 मई तक चीज़ें पहुँच जानी चाहिए। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम है 22 मई, और लाइकली डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट 2 जून है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, नोट डाउन कर लें ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ क्लियरली हर एक डिपार्टमेंट लिखता है, किसी तरह की जुगाड़ ना लगाएं इसमें, जुगाड़ लगाओगे अगर पता चला तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेटेस्ट जॉब्स इन IOCL, स्पेशली फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट। तो बिल्कुल दोस्तों, जितने भी हैं जो नए ग्रेजुएट होने वाले हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों, बिल्कुल भरिए, लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। और साथ साथ में दोस्तों पढ़िए इसके बारे में, क्योंकि रिटन टेस्ट होगा तो कॉमन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग दिस जॉब। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। और साथ में साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ सबसे पहले आपके पास में आएंगे अगर आपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन किया है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विस्तार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।